टारगेट सल्यूट गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 1, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। बहुत ही इजी चैप्टर है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम इसको फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये समझते हुए कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि इक्वालिटी का क्या रोल होता है डेमोक्रेसी में। आपको ये बात मालूम ही होगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हर सिटीजन को इक्वालिटी गारंटी करता है। तो हम इससे रिलेटेड बातें समझेंगे और ये जानेंगे कि इक्वालिटी की जरूरत ही क्यों, और प्लस इक्वालिटी की ये जो इम्पोर्टेंस है, क्या ये सिर्फ हमारी कंट्री में है या फिर दूसरी कंट्रीज में भी इक्वालिटी को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, और वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है जैसा मैंने कहा, और इसके काफी कॉन्सेप्ट्स आपको ऑलरेडी मालूम भी होंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्लास 6 में एक चैप्टर पढ़ा था, आपको याद होगा, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, याद आया? उसमें हमने पढ़ा था कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो की एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से हैं। पीपल्स पार्टिसिपेशन, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और इक्वालिटी एंड जस्टिस। कुछ याद आया कि सब गायब? एग्जाम देते ही सब दिमाग से निकल गया? नहीं भी याद आया तो आपका रिविजन हो गया। आपको मालूम है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है और एक डेमोक्रेसी के जो की एलिमेंट्स होते हैं वो ये चार होते हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि आपको दिख रहा है इक्वालिटी जो है वो एक की फीचर है डेमोक्रेसी का, और ये उसकी फंक्शनिंग को बहुत तरह से इन्फ्लुएंस करता है। ये वर्ड इक्वालिटी हमने कई बार सुन लिया, लेकिन अभी तक हमको ये क्लियर नहीं हुआ कि ये क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, और सोसाइटी में ये कैसा रोल प्ले करता है। तो आपकी बुक में इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ शॉर्ट स्टोरीज यूज करी गई हैं, वो आप अपने टाइम में आराम से पढ़ सकते हो, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हम वो की पॉइंट्स कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा जिस्ट समझा देती हूँ स्टोरी का, बाकी कॉमिक्स फॉर्म में दिया है, आप खुद भी पढ़ोगे आपको मजा आएगा। ठीक है, एक लेडी है कांता, वो एक डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम करती है, मतलब जो हमारे घर में मेड्स आती हैं, जो काम करने वाली लेडीज आती हैं, वो काम करती हैं कुछ लोगों के घरों में। और जो दिन दिखा रहे हैं ये लोग वो वोटिंग का दिन है, जिस दिन सब लोग इक्वली लाइन में लगे हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए। तो कौन कितना रिच है, कितना पुअर है, उसका क्या स्टेटस है सोसाइटी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरीवन इज इक्वल इन द लाइन, और सबको बराबर से लाइन में खड़े होकर वोट करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो दिखाता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे कि इंडिया में सारे अडल्ट्स, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, उनको वोटिंग अलाउड है। आपको याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो मैं याद दिला देती हूँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल adult franchise. This is an essential aspect of all democracies. अगर आप अपने आप को डेमोक्रेसी कह रहे हो तो आपके अंदर ये फीचर होना ही चाहिए। जितने भी लोग adults हैं सबको वोटिंग राइट्स होने चाहिए और सबका वोट बराबर होना चाहिए। अब आप कहोगे यार हम बात तो इक्वालिटी की कर रहे थे मैम, इक्वालिटी से यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे कहाँ चले गई? ये इम्पोर्टेंट है, ये रिलेटेड है, क्योंकि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो इक्वालिटी पे बेस्ड है। अगर आप ये मान रहे हो कि वोटिंग के लिए हर वोट जो है वो बराबर है, चाहे वो किसी का भी हो, तो इसका मतलब आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो ना। हर अडल्ट के पास वन वोट होता है और वो सारे वोट बराबर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपका वोट ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरा वोट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसा यहाँ पे दिखाया है कि वहां पे जब वोट करने गए थे तो कांता जो है, जो डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम करती है, वो बहुत एक्साइटेड है वोट करने के लिए। वहां पे जैन साहब भी लाइन में खड़े हैं जिनके यहाँ कांता काम करती है, तो उनके जो मालिक हैं, जिनकी वो वर्कर हैं, वो भी लाइन में खड़े हुए हैं। सो दैट मेक्स हर वेरी हैप्पी कि सब लोग बराबर से लाइन में खड़े हुए हैं। फिर वोटिंग खत्म हो गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। आफ्टर दैट हमको मालूम पड़ता है कि कांता की जो बेटी है उसकी तबीयत खराब है, तो अपना काम कंप्लीट करने के बाद वो अपनी बेटी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाएंगी। जब कांता काम पे जाती है तो वहां पे जो उनके मालिक है जैन साहब, उनसे वो थोड़ा एडवांस भी मांगती है अपनी बेटी को डॉक्टर दिखवाने के लिए। फाइनली कांता अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाती है, लेकिन वहां पे उनको फिर से एक लाइन में लगना पड़ता है, और ये लाइन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्योंकि सस्ते में इलाज करते हैं, वो बिल्कुल ज्यादा पैसे नहीं लेते, बहुत चीप वे में इलाज करते हैं, इसलिए वहां पे बहुत सारे लोग जाते हैं, और जब इतने सारे लोग जाते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे भीड़ बहुत होती है, जिसकी वजह से उनको लाइन में लगना पड़ता है। तो ये वाली लाइन जो है वो पहली वाली लाइन से थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि अगर कांता के पास ज्यादा पैसे होते तो वो शायद इस लाइन में नहीं लगती, फिर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चली जाती जहां पे उनको इतनी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता। हो सकता है वहां पे भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी लाइन होती, लेकिन इतनी लंबी लाइन तो नहीं होती। तो ये थी फर्स्ट स्टोरी। देखा कितना आसान है, कितनी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है। बहुत ही इजी चैप्टर है, जैसा मैंने आपको कहा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इस सिचुएशन से हमको आइडिया लगा कि जो राइट टू वोट होता है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होती है, उसमें इक्वालिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन हो सकता है इंसान अपने दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, अपनी डेली लिविंग या वर्किंग कंडीशंस में काफी बार इनइक्वालिटी फेस करनी पड़े इंसान को। ये काफी कॉमन चीज है। इनइक्वालिटी अलग अलग तरीकों से होती है और ऑलमोस्ट हर इंसान को फेस करनी पड़ती है। ऐसा होना नहीं चाहिए, आइडियल वर्ल्ड में हर कोई इक्वल होना चाहिए हर सिचुएशन में, लेकिन डेली लाइफ में जब आप बात करते हो तो अलग अलग सिचुएशंस में हर इंसान को इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है।
बहुत तरह की इनइक्वालिटीज होती हैं, जैसे कि पहले के टाइम में कास्ट सिस्टम होता था, कास्ट आइडेंटिटी होती थी। कभी कभी आज भी कुछ लोग जो शादी के लिए लोग ढूंढते हैं, मैट्रिमोनियल कॉलम्स अगर आप देखो तो उसमें भी कभी कभार कास्ट का मेंशन होता है। आपको ये भी मालूम होगा कि पहले के टाइम में जो कास्ट सिस्टम होता था उससे रिलेटेड एक वर्ड था दलित। दलित उन लोगों को एड्रेस करने के लिए यूज किया जाता था जो उस समय लोअर कास्ट माने जाते थे। दलित वर्ड का मतलब होता है ब्रोकन, और ये डिपिक्ट करता था कि उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आपकी बुक में एक ऑथर के बारे में भी दिया हुआ है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जो 1950 में पैदा हुए थे और 2013 में उनकी डेथ हुई थी। वो एक बहुत ही फेमस दलित राइटर थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जूठन। वो बुक उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखा था उस बुक में, जिसमें उन्होंने एक छोटी सी सिचुएशन अपनी लाइफ की डिस्क्राइब करी है उस समय के टाइम में। मतलब वो 1950 में पैदा हुए थे, तो ऑब्वियसली जब वो स्कूल जाते होंगे तो 1955 1960 की बात हो रही है, आज से काफी सालों पहले। तो उस समय के टाइम में जब वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे तो वहां पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ता था। एक सिचुएशन ऐसी हुई थी जब वो क्लास 6 में थे, तो जो हेडमास्टर थे उन्होंने उनसे कहा था कि आप स्कूल में और प्लेग्राउंड में स्वीप करो, मतलब झाड़ू लगाओ। तो बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और वो झाड़ू लगा रहे थे, और ये चीज उनके फादर ने देख ली और वो उनको अपने घर लेके चले गए। उन्होंने हेडमास्टर पे गुस्सा किया और वो अपने बेटे को घर लेके चले गए। तो ये एक फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी थी। इसी तरह से एक दूसरी स्टोरी भी दी हुई है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की। ये लोग एक बड़ी सिटी में मूव करते हैं और वहां पे एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे रेंट के लिए। उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर से भी बात करी और कुछ अपार्टमेंट्स देखे। एक दो अपार्टमेंट्स उनको पसंद भी आ गए, लेकिन वहां के लैंडलॉर्ड्स ने मना कर दिया अपार्टमेंट देने से। प्रॉपर्टी डीलर ने मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को ये सजेशन भी दिया कि आप अपना नाम चेंज कर लो और मिस्टर एंड मिसेस कुमार के नाम से बात करो तो शायद चांसेस बढ़ जाएं कि आपको अपार्टमेंट मिल जाए। लेकिन अंसारी जो थे वो ऐसा नहीं करना चाह रहे थे। वो अपार्टमेंट ढूंढते रहे और फाइनली एक महीने के बाद उनको अपार्टमेंट मिल गया। तो अभी तक हमने जितनी भी सिचुएशंस देखी, कांता वाली और वो स्कूल वाली, जितनी भी हमने सिचुएशंस देखी उसमें आपको आइडिया लग रहा है कि डिफरेंट पीपल हैव टू फेस इनइक्वालिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ देयर लाइफ। हर इंसान को कभी ना कभी इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। ये अच्छी चीज नहीं है, आइडियल चीज नहीं है, और इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। कास्ट, रिलीजन, क्लास बैकग्राउंड, मेल या फीमेल, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स और क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन इन सब से एक और इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि जब आप किसी इंसान को अनइक्वली ट्रीट करते हो तो उसकी डिग्निटी हर्ट होती है। डिग्निटी का मतलब क्या है? कोई भी इंसान जब अपने आप को और दूसरों को वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट समझता है, मतलब इस लायक समझता है कि हाँ उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उस चीज को कहा जाता है डिग्निटी। जैसे आपकी बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है एक मूवी का। मूवी के एग्जाम्पल से शायद आप बेटर समझ पाओ इस कॉन्सेप्ट को। 1975 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दीवार। काफी फेमस फिल्म थी, अगर आपने नहीं देखा है तो अपने पेरेंट्स से पूछेगा, उन्होंने जरूर देखी होगी। तो दीवार फिल्म में एक छोटा लड़का है जो जूते पॉलिश करके पैसे कमाता है, ठीक है। ही वर्क्स एज अ शू शाइन। तो जो पिक्चर के विलन थे वो जब अपने जूते चमकवाने आए तो उसके बाद उन्होंने कॉइन फेंक के उसको पैसे दिए। तो उस बच्चे ने मना कर दिया कि मैं फेंके हुए कॉइन्स नहीं उठाऊंगा। उसने कहा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो इज्जत वाला काम है, मैं मेहनत से पैसे कमा रहा हूँ, देयर इज डिग्निटी इन द वर्क आई डू। और इसीलिए उसने कहा कि अगर मैंने आपके जूते पॉलिश किए हैं तो आप मुझे उसके ढंग से पैसे दीजिए, पैसे फेंक के मत दीजिए। तो अब आपको डिग्निटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इट इज रिलेटेड टू रिस्पेक्ट। जो ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, थैंक यू गाइस सो मच लव टू यू। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, फॉर अप्रिशिएटिंग अस। तो अब फर्स्ट पार्ट तो अच्छे से दिमाग में बैठ गया चैप्टर का, है ना। तो अब इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। जिन्होंने भी नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार इतना हक तो हमारा बनता है। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। एब्सोल्युटली राइट। I'll see all of you next time with the next part of this lecture. ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बहुत मन लगा के पढ़ाई करिए। Bye bye.